नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। एडिटर्स पोल में बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज एडिटर्स पोल आपको दिखाने जा रहा है। एडिटर्स पोल, दरअसल 3 तारीख को छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजे आने हैं और 3 तारीख को क्या होगा ये जानने की उत्सुकता गली नुक्कड़ चौराहे दुकान ऑफिस घर हर जगह आजकल यही चर्चा है। कौन आएगा, क्या कांग्रेस सरकार रिपीट होगी या भाजपा कुछ कमाल कर पाएगी या तीसरा दल क्या किसी का कोई समीकरण बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, हर जगह यही चर्चा है। और हमसे भी बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आप तो मीडिया वाले हैं, आप लोगों को पता होता है, बताइए, प्रदेश भर में आपके रिपोर्टर्स हैं। तो हमने सोचा कि सिर्फ एक ही क्यों, बल्कि तमाम जो बड़े अखबार हैं चैनल हैं उनके जो एडिटर्स हैं वो क्या सोचते हैं, उनके पास क्या इनपुट है, उनका क्या आकलन है, उनका क्या एनालिसिस है, वो आप तक सीधे पहुंचाया जाए। वो उनका अनुभव, उनका आकलन, उनका एनालिसिस आप तक पहुंचेगा और आप अंदाजा लगा पाएंगे, सटीक अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के एडिटर्स का पोल क्या कुछ कहता है। चलिए मैं तारुफ कराता हूं, खास मेहमान हमारे साथ विश्वेश ठाकरे जी हैं, बहुत स्वागत है विश्वेश जी। हमारे साथ सतीश श्रीवास्तव जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका। रवि भोई जी हमारे साथ, बहुत स्वागत आपका। और के शर्मा जी हमारे साथ, ये एडिटर्स हैं जिनसे हम सवाल करेंगे, इनका क्या एनालिसिस है इस पर हम बातचीत करेंगे। विश्वेश जी सबसे पहले आपसे मैं करूंगा, चुनाव हो चुके हैं, बहुत सारे सवाल आपसे भी पूछे जा रहे होंगे, क्या होगा बताइए, हम भी आपसे वही पूछ रहे हैं, क्या लग रहा है बताइए। देखिए, चुनाव हो चुका है तो रिजल्ट आएगा, ये तो नियति है, जब एग्जाम देता है आदमी तो फिर रिजल्ट आता है। लेकिन आपका जो सवाल है वो ये है कि सरकार किसकी बनेगी जी। तो इस बार का जो चुनाव है वो बहुत अपने आप में एक तरीके से कह लीजिए बहुत कठिन सा दिखाई देता है, क्योंकि एक कोई मुद्दा नहीं है जो पूरे प्रदेश को इसको इफेक्ट करे इस चुनाव में। दरअसल अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दे हैं, इसमें ऐसा भी नहीं है कि एक संभाग किसी एक मुद्दे पर वोट कर रहा है, अलग अलग सीट पर अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे अगर मान लो पिछले कुछ चुनाव की बात करूँ मैं, तो जो 2003 में यहाँ पर पहला चुनाव हुआ वो चुनाव था कि जो सरकार की एक तरीके से जो मौजूदा सरकार थी उसके कथित आतंक की बात थी वहाँ पे, उस पर वोट पड़े। उसके बाद में फिर चाउर वाली जो योजना थी, फिर वो चाउर वाले बाबा पे वोट पड़े। बिल्कुल। फिर उसके बाद का जो 2018 का चुनाव था उसमें एंटी इनकम्बेंसी पर वोट पड़े। तो ये पूरा एक ऐसे मुद्दे थे जिस पे पूरा प्रदेश वोट कर रहा था। लेकिन ये वाला चुनाव साहब ऐसा है कि इसमें रायपुर पश्चिम का मुद्दा अलग है और रायपुर दक्षिण का मुद्दा अलग है, रायपुर उत्तर का मुद्दा अलग है। तो ये एक बहुत ही फंसा हुआ सा चुनाव दिखाई दे रहा है। और जैसा पिछले बार एकदम से लैंडस्लाइड था बीजेपी का, तो वो ऐसा इस बार नहीं दिखता है। बीजेपी गेन कर रही है, कांग्रेस की सीटें कम हो रही हैं, ये दिख रहा है, स्पष्ट है। 68 सीट्स बहुत होती थी तो वो कम आ रही हैं। लेकिन फिर भी अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी स्पष्ट सरकार बनेगी या इस पार्टी की बनेगी, क्योंकि मैं अगर मान लो मैं अपनी इंट्यूशन की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस 50 के आसपास रहेगी, बीजेपी 40 के आसपास रहेगी। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि जो ट्रेंड आया हुआ है वो पोलिंग बिफोर पोलिंग और आफ्टर पोलिंग बहुत बदला हुआ है, बार बार समीकरण बदल रहे हैं। ये बहुत सही बात कहा सतीश जी, आपको क्या लग रहा है, मुद्दे एक नहीं रहे, अलग अलग जगह संभाग वाइज या बल्कि कई सीटों पे अलग अलग मुद्दे काम कर रहे थे, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अवसर दिया और चर्चा चल ही रही है और हर लोग अपने अपने तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, हर आदमी का एक आकलन है और एक पता नहीं कहाँ से ये परसेप्शन आ गया है कि कांग्रेस को 50-52 सीटें आएँ। ये लगभग बहुत सारे लोग ऐसे फ्लोटिंग है ये जी, बिल्कुल। इसी तरह से बीजेपी या उससे जुड़े हुए संगठनों ने जो दावा किया कि हम 48 से लेकर 55 तक सीटें ले सकते हैं, तो ये जब ईवीएम जब खुलेगा तभी जो है तब तक इंतज़ार ही करना बेहतर होगा किसी। लेकिन वोट स्विंग हुआ है और स्विंग वोट जो है वो 7-8% का होता है और ये 8% की वोट स्विंगिंग जो है ना वो नतीजों को काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाली है। जो मुद्दे दिखाई दिए वो धान और किसान पहले से मुद्दा था और उस पर बहुत मजबूती से कांग्रेस की स्थिति थी जी। बीजेपी एक नए विषय के साथ जो है वो चुनाव मैदान में उतरी कि वो 12,000 महिलाओं को देगी रुपये, वो उसने एकाएक और उसके बाद उन्होंने एक इंटरनली काम किया जो कि मैंने अंडर करंट वाली जो बात करते हैं कि उन्होंने
गांव-गांव पंचायत स्तर पर महिलाओं से जो है पर्चा भरवा लिए। उस दो दिन तक तो आलोचना होती रही कांग्रेस की तरफ से, ये क्या कर रहे हैं, आलोचना हुई, ट्वीट्स भी हुए इस पर, ये तो गलत। लेकिन तीसरे दिन जो है वो कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ता है और वो तुरंत 12 के जगह पर 15,000 वाली बात कर जाती है। तो इससे समझ में आती है बात की मुद्दे स्विंग हुए, वोट स्विंग कौन कितना करा पाया। यूथ्स एक अलग फैक्टर है, यूथ युवाओं को लेकर के कुछ चीजें हैं, कुछ बातें थी जिनको लेकर के युवा, और हमेशा यूथ जो है वो रोजगार अवसर तलाशता है, बिल्कुल पलायन बहुत बड़े स्तर पर है अपने यहाँ से, तो संभावनाओं का ये है। ये देखा जाए कि इसका क्या परिणाम आता है, ये तो समय बताएगा। रवि भोई जी, अब मैं आपका एनालिसिस जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है यहाँ पर। सरगुजा बस्तर की अगर बात कर ले, हम छत्तीसगढ़ को जनरली सरगुजा बस्तर दो पहाड़ी एरिया है या मैदानी इलाके, यहाँ से हम जोड़ के देखते हैं, क्या लगता है कि अलग अलग वहाँ पर एनालिसिस करना ठीक होगा, बस्तर सरगुजा और मैदानी इलाके? जी अभिषेक, देखिए बस्तर में धान की खेती उतनी नहीं होती और किसान धान से प्रभावित नहीं होते हैं, वहाँ तेंदुपत्ता एक बड़ा मुद्दा है, लघु वनोपज जो होते हैं वो है, इसलिए हम सरगुजा से बस्तर की तुलना नहीं कर सकते या मैदानी इलाकों में नहीं कर सकते। मैदानी इलाकों में धान, किसान, महिलाओं का है, लेकिन जो कॉमन फैक्टर रहा इस चुनाव में वो महिला और यूथ रहा। इस बार चुनाव में बेसिकली तीन फैक्टर मेरे को जो दिखाई देते हैं, धान, किसान, महिला और यूथ जो प्रभावित किया है, और वो ही रहे हैं। लेकिन पिछले जो चुनाव हुए 23 का हुआ या फिर 8 का हुआ, 13 का हुआ, 18 का हुआ, उन चुनाव से ये काफी डिफरेंस है, क्योंकि इस चुनाव में दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है। धान किसान को बीजेपी ने भी कहा और कांग्रेस ने भी रखा, महिलाओं को कहा, इसलिए इस बार का चुनाव जो है काफी टफ हो गया और कंफ्यूजन हो गया। सरगुजा में जहां पर तक है वहां पे मामला धान, किसान और दूसरे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम किया, तो सरगुजा में बस्तर में तेंदुपत्ता का, लघुनोपज का और एंटी इनकम्बेंसी का काम किया, मैदानी इलाकों में काम किया है धान, किसान, महिलाओं का जो। तो इसलिए देखिए, आप देखेंगे कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने महिलाओं के बारे में जो गृहलक्ष्मी योजना आई वो फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद, तो कहीं ना कहीं इस बार महिला वोटर काफी निर्णायक रही हैं और वो चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करेंगे। तो हम देखेंगे महिला या यूथ या किसान जिस तरफ गए होंगे या डिवाइड होंगे तो उसका असर पड़ेगा। इसलिए इस बार माना जा रहा है कि एक तरफा कहीं वोट नहीं पड़ेगा, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को, क्योंकि मुद्दे और जो वोट जो लोगों को प्रभावित करने का तरीका था वो अलग अलग था, इसलिए नतीजे भी काफी अलग अलग जगह पे अलग अलग और हर जगह मुकाबले जो है नेक टू नेक फाइट माना जा रहा है। बिल्कुल के शर्मा जी, वोटर क्या बटा रहा, किसान की बात कर ले, महिलाओं की बात हुई, युवा की बात हुई, चुनाव क्या इनके बीच ही घूमता रहा, और आपका एनालिसिस क्या कहता है, ये तीनों वोटर किधर जाते दिखे? देखिए, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने 2018 में मुद्दों के आधार पर मतदान करके कांग्रेस को जिस तरह से भारी बहुमत के साथ सत्ता सौंपी उसी का परिणाम पूरे देश में बढ़ा है। कहा जाए कि किसानों के मुद्दे को लेकर के बात करें तो किसानों को लेकर के इस बार जो है भाजपा उस समय मैदान में नहीं थी, कहा जा सकता है। जिस तरह से धान खरीदी कांग्रेस 2500 की बात कर रही है, जोगी कांग्रेस 2600 की बात कर रही थी, तो उस बीच में भाजपा कहीं मैदान में नहीं थी। 2100 शायद इसमें एक बात आ रही थी कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस दिशा में प्रदेश के नेता जो बात रख रहे थे उससे सहमत नहीं हो पा रहे थे, जिसको कहते हैं कि मुफ्त में देने वाली बात को लेकर नहीं आई, मुद्रा योजना के माध्यम से, बैंक के माध्यम से रोजगार देने की बात आई थी। ये 2018 की बात हुई। उसके बाद अभी जिस तरह से आप देखेंगे कि भूपेश है तो भरोसा है का जो नारा लगातार चलते रहा, जो उनके छत्तीसगढ़ियावाद की बात कहें या छत्तीसगढ़ मॉडल एक उन्होंने तैयार किया ग्राम स्वराज को लेकर, नरवा गुरुआ गरवा बारी को लेकर के, ये जो ग्रामीण परिवेश को आगे बढ़ाया है, तो उसका असर देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही घोषणा पत्र आता है, अमित शाह घोषणा प्रस्तुत करते हैं जिसमें मोदी की गारंटी की बात आती है, तो मोदी की अपनी अलग लोकप्रियता है और जिसके चलते हुए वो जो एक गारंटी जो आई है उस पर लोगों ने, खासकर लोगों को कहें तो भाजपा के जो कार्यकर्ता, जिसको भूपेश जी कहते थे कि भाजपा के कार्यकर्ता और मतदाता जो है हमको वोट देंगे क्योंकि हम धान का मूल्य दे रहे हैं,
ये बात आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो 40% वोट से 43%, 3% के डिफरेंस में कांग्रेस जो है 38 से 68 में चले गई थी 2013-2018 की तुलना में, मुझे लगता है कि भाजपा के जो 10% का वोट कम हुआ, उस समय तीसरा मोर्चा क्या है वो भी मजबूत था, कम्युनिस्ट को लेकर के बसपा और योगी कांग्रेस तीनों का गठबंधन महत्वपूर्ण रहा, लेकिन इस बीच में भाजपा का जो कम हुआ, इतना पहली बार इतना कम देखने को मिला है, तो ये मार्जिन के बीच में जो भाजपा के, मुझे लगता है कि ये जो कार्यकर्ता, उसके कार्यकर्ता और मतदाता जो वापस भाजपा की ओर लौटे हैं वो कितना लौटे हैं, चाहे वो धान खरीदी की बात कहें, चाहे वनोपज की बात कहें, तमाम विषयों में बराबर है। कांग्रेस को जहां तक एज की जो बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आ रहे हैं आखिरी में जो 15,000 की जो बात महिलाओं को की, वो कहां तक पहुंचे ये बात है, और धान खरीदी जो 3200 है उसको, ये मुझे लगता है कि 3100-3200 में जो भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता है इसके कारण से वोट चेंज कर देगा ऐसा नहीं लगता, जिसके चलते हुए अभी जो भाजपा के मतदाता यदि वापस लौटे तो पिछले 2018 को छोड़ के बाकी तीनों चुनाव देख ले, 2003, 2008 और 2013, इसमें जो वोट का आप देखेंगे तो 49-50 में भाजपा 3 साल तक शासन की है, बहुत 3 बार जी है, तो वही स्थिति मुझे लगता है ये कम है, मार्जिन की बात आएगी, और तीसरा मोर्चा जो यहाँ पे भाजपा को अब तक राकपा की बात करें या योगी कांग्रेस की, ये जो लाभकारी कहा जाता है भाजपा के लिए, ये कितना असर करते हैं, जैसे कहें कि भ्रष्टाचार का भी मुद्दा रहा, युवाओं को लेकर पीएससी का भी मुद्दा रहा, तमाम प्रकार के किसानों का भी मुद्दा रहा, महिलाओं का मुद्दा, महिलाएं जो बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में जो मतदान करने आई हैं, उसमें महिलाओं की ओर जो मतदाता, उस समय भी था शराबबंदी विषय था, लेकिन इस बार दोनों ही दलों ने इसे छोड़ दिया, इस बार जो मुद्दा आई है वो 15,000-12,000 को लेकर दो बात आ रही है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, ये बहुत विश्वेश जी, क्या कंफ्यूजन क्यों रहा, आपको क्या लग रहा है, क्या कई बड़े चेहरों की सीटें फंसी हुई है इसलिए हम बोल रहे हैं कि चुनाव बड़ा कंफ्यूजन है, या आपको लग रहा है कि वोट बैंक इधर उधर हो रहा है, स्विंग हो रहा है युवा महिला या किसान, इसलिए ये दिक्कतें, ये कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, आपको क्यों लग रहा है कंफ्यूजन है इस बार? देखिए, कंफ्यूजन का एक कारण तो शर्मा जी ने बताया कि पिछले बार जिस तरीके से एक बड़ा वोट बैंक भाजपा का कांग्रेस में चला गया, तो वो जो फ्लोटिंग वोट थे वो कितने भाजपा में वापस आए, ये एक बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स पार्टी पे लौटे हैं तब तो फिर निश्चित रूप से पार्टी को बड़ा लाभ है, लेकिन अगर मान लो वो पिछले 5 साल की कार्यकाल से, सरकार के कार्यकाल से, या उनको जो मिलने वाली चीजें हैं उनसे वो संतुष्ट हैं और वो पूरा नहीं लौटा है तो ये टफ है। तो ये कन्फ्यूजन, बेसिक कन्फ्यूजन यही है कि जो पिछले बार का जो लैंडस्लाइड था बीजेपी का, वो कितना क्या कवर होगा। दूसरी एक इस चुनाव में थोड़ी सी एक और अजीब बात सी या अलग बात सी देखने मिली कि जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं थी, गोधन या इस तरीके की जो योजनाएं थी, वो कहीं पर नहीं, गायब, वो गायब थी। तो क्योंकि ये इसलिए होता है कि जनता को जो मिलने लगता है, मतदाता को जो मिलने लगता है, वो उसको अधिकार मानता है, तो अब वो चाहता है कि नया क्या। तो सारी जो घोषणा पत्र थे वो फ्री बिज पे आ गए कि और मुफ्त में क्या देना है। तो जैसे इन्होंने 12,000 बोला बीजेपी ने, उन्होंने 15,000 बोला। अब इसमें बेसिक मुद्दा यह है कि कौन कितना कन्वे करा पाया, मतदाता तक के कौन कितनी चीजें अपनी पहुंचा पाया। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज माफी का एक तोड़ लाया कि हमने जो 2 साल का बोनस नहीं दिया है अपने सरकार में उसको एकमुश्त देंगे, उसकी राशि और कर्ज माफी की राशि तकरीबन बराबर है, बल्कि कर्ज माफी से ज्यादा है उसकी राशि, लेकिन ये कितना ये मतदाताओं को वो समझा पाए। भाजपा ने 12,000 वाली चीज तो समझा दी, क्योंकि वो जो महतारी वंदन योजना था उसका फॉर्म भराना शुरू कर दिया और उसने जमीन पे ये दिखा दिया कि हम दे रहे हैं। अब कांग्रेस को 15,000 समझाने का कितना समय मिला, वो कितना समझा पाए, तो ये एक बेसिक मुद्दा है कि मतदाताओं को पॉलिटिकल पार्टीज ने कितना कन्विंस किया। तो वो कन्फ्यूजन पार्टियों के साथ भी है और इसीलिए ये कन्फ्यूजन पूरे रिजल्ट पे आके खड़ा हो गया है। ठीक बात। सतीश जी, आपको क्या लग रहा है डिसाइडिंग वोटर कौन होगा? किसानों की खूब चर्चा हो रही है, महिलाओं की हो रही है, युवाओं की हो रही है, क्या महिला वोटर, जो एक जनरल चर्चा है कि महिला वोटर जिधर जाएगा उधर उसकी सरकार बनेगी, आपको भी ऐसे ही लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर जो आप बात कह रहे हैं, और ये 50% से अधिक है, थोड़ा सा अधिक ही है इस पूरे छत्तीसगढ़ में महिला वोटरों की संख्या, और एकाएक आकर्षक ऑफर ठोका गया है, तो ये आप इस चुनाव को लोकतंत्र बनाम भीड़ तंत्र कहें तो ज़्यादा अच्छा है कि कितने ग्राहक किसने लुभाए, और इसको जैसा कि कहा आप साथी ने कि आप कैसे ऑफर्स दे रहे हैं, अगर इसके आधार पर अगर आप पूरी व्यवस्था चौपट हो सकती है, जो आंकड़े बता रहे हैं कि 50 से 70
1000 करोड़ रुपए जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए के बजट में से राज के अगर इस इन पर जाएंगे खर्च होंगे तो होने क्या जा रहा है। एक तरफ आप या तो मानव संसाधन के विकास कर सकते हैं या मानव को आप दे करके पैसे दे करके और उनको योग्य बनाने उनको मुफ्त की रेवड़ी दे सकते हैं, जिसको जिसकी लेकर के आलोचना बीजेपी बहुत करती रही लेकिन वो कहीं आगे निकल के आ गई इसके बारे में। लेकिन मेरे को लगता है कि जनता भी सोचती है कि हम चुनाव के बाद सोचेंगे और राजनीतिक दल भी बाद में सोचेंगे, ऐसी कुछ परंपरा चलती। हाँ निश्चित तौर पर सभी लोगों को लग रहा है ना, जो मिल रहा है उसको क्यों न ले लें, बटोर क्यों न ले। देखिए उलझाने की कोशिश भाजपा ने तो हर काट पर मैंने की है, जिस तरह से कांग्रेस पहले से ही जातीय कार्ड में, हो सकता है कि थोड़ा मेरा परसेप्शन गलत हो, लेकिन जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर के कार्ड खेला गया था एक साल पहले से ही, मुझे लगता है कि 2022 में ही ये विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेज दिया गया था, राज्यपाल के पास अटका हुआ है, तो वो जातीय कार्ड जो खेला था अब उसके बाद के अंदर का कार्ड है, मींस की व्यक्ति हर व्यक्ति अलग है आधार कार्ड की तरह से। तो जातीय कार्ड जब ओबीसी कार्ड खेला तो फिर उसके बाद से आया कि भाई यहाँ पर कौन ज्यादा, कुर्मी ज्यादा या साहू ज्यादा, तो साहुओं में भी एक महत्वाकांक्षा उभरी और उसको पूरा उभारा गया। आप देखिए कि कितने साहुओं को भाजपा की तरफ से टिकट दिए गए हैं। और फिर ये आपका मानना है ओबीसी में भी वोटर बटे? देखिए निश्चित तौर पर बटे और यह पूरी तरह से लोकतंत्र, जो संविधान की जो हमारे प्रस्तावना है, जो हमारा विधान है कि जाति धर्म के आधार पर भेद नहीं करेंगे, उसी आधार पर चुनाव हो रहा है। तो ये तो चुनाव आयोग के लिए मंथन का विषय है, ये वो उस वर्ग के लिए मंथन का विषय है। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन महिला वोटर किधर जाता दिख रहा है? जी निश्चित तौर पर अगर फ्री बीज की बात है, अगर किसी को आराम से मिल रहा है, महिलाओं में बड़ा तेज आकर्षण, मैंने 2, 4, 5, 10 जितने भी महिलाओं से, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ उनको मिल रहा है। वो भले ही वो हो सकता है कि उनके पतिदेव लाख रुपए कमाते हो, लेकिन उनको लग पर रहा दोनों है ही दे रहे हैं पर दोनों ही दलों ने कहा कि हम देंगे। हाँ और देखिए ये आप इसके महत्ता को समझा जा सकता है कि कांग्रेस को अब उस पर आना पड़ा। मीन्स की एक तरफ जब हम धान की बात कर रहे थे, धान की कीमत देने का अर्थ क्या है कि एक आम आदमी को जो चावल खरीद कर खाता है उसको महंगा चावल खरीदना पड़ेगा जी, ठीक है। उसी तरह से जब आप ये तो ये बीजेपी व भाजपा जो है पहले पीछे पीछे चल रही थी कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अंत में बात एक सिद्धांत जो छोड़ करके कि हम पहले सत्ता में होना जरूरी है, सत्ता में रहेंगे तो हम कुछ कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। रवि भोई जी आपसे भी वही सवाल, महिला वोटर किधर जाते दिखा, लेट एंट्री हुई महिलाओं की, महिला वोटर्स पे आखिरी में ध्यान दिया गया, मुझे लगता है कि घोषणा पत्र के बाद से महिलाओं पर फोकस बढ़ा, आपको क्या लगता है महिला वोटर का स्विंग किधर दिखा? देखिए महिला वोटर मेरे ख्याल से लगता है दोनों तरफ से बटे हैं, क्योंकि फर्स्ट फेस में तो महिला वोटर कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा ने फॉर्म भराया उनको कन्वे किया वो आकर्षित होकर निकली, और उसके बाद लगा कि कांग्रेस को भी लगा कि ये महिलाएं ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती हैं, तो उन्होंने भी गृहलक्ष्मी योजना की घोषणा की। तो उसके बाद महिलाएं तो बढ़ गई हैं, लेकिन महिलाएं किस तरफ ज़्यादा गई हैं ये फिर रिजल्ट से ही सामने आएगा। लेकिन इस बार का जो चुनाव है टोटली ऑफर बेस्ड चुनाव है कि कौन ने क्या ऑफर दिया है, ऑफर जिसका ये जनता तय करेगी किसका ऑफर उनको कौन सा अच्छा लगा, क्योंकि ऑफर सब ने दिया है। जो बीजेपी कहती थी कि हम फ्री बीन से उसको रेवड़ी नहीं देंगे, लेकिन सत्ता में आने के लिए उन्होंने भी किसान और धान को किया, महिलाओं को दिया, एजुकेशन की बात की, सब्सिडी की बात की, तो निश्चित तौर से सब तरह की उन्होंने लुभावने बातें की हैं। और इस तरह से जो वोटर्स हैं वो डिवाइड ही रहे, इसलिए आप देखेंगे 2023 में दोनों में बहुत डिफरेंस है। 2003 में एनसीपी के कारण कांग्रेस के वोट परसेंट कटे और इसलिए बीजेपी सरकार में आई जी, और उसके बाद लगातार 3 बार सरकार में ही अलग अलग कारणों से रही, जो भी चाहे चौर वाले 1 रुपए किलो चावल वाला रहा या फिर कांग्रेस के अंतरण कला जो भी रहा, लेकिन इस बार लगता है कांग्रेस ने एकजुट होकर और सत्ता करने के लिए लड़ी है, और बीजेपी भी एकदम एकजुटता से और ये कोशिश की कि हमको किसी भी तरह से सत्ता में आना है, चाहे उसके लिए हमको
खजाना भी खाली करना पड़े, इसलिए ऑफर दिया है और उसका उद्देश्य यही है कि सत्ता में आना है। देखिए शर्मा जी, मैं आपसे पूछूंगा, पहले फेज में 20 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें आप कांग्रेस भाजपा या किसे एज देंगे? आप से अगर मैं क्लियर कट पूछना चाहूं, अंदाजा क्या, आपका एनालिसिस क्या है पहले 20 सीटों पर? पहले फेज की सीट में हम बात करेंगे तो इसमें एक आदिवासी और दूसरा किसान और ओबीसी, तीनों राजनांदगांव के लोकसभा की बात करेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 12,000 रुपए जो महतारी वंदन योजना है ये भाजपा के आ चुके थे पहला राउंड में, इसका असर कहीं न कहीं दिखाई दिया है, जिसके चलते हुए सेकेंड फेज में एकदम दिवाली के समय ये घोषणा 15,000 की बात आई कांग्रेस की। ये 15,000 को कहाँ तक पहुँचा पाए हैं ये पहले फेज में बात, पहले फेज की वही बात, पहला फेज में कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ दिख रहा है, जिस तरह से 12 के 12 सीट पूरे कांग्रेस के पास थी उसमें कहीं ना कहीं गेन करके वो 5-7 सीट तक बीजेपी इधर आ रही है। पहले फेज की मैं बात करूं, पहले फेज में आपको क्या लगा कौन सी पार्टी बढ़त लेती दिख रही है? पहले फेज में एक ही सीट थी बीजेपी के पास, राजनांदगांव, तो 19 सीट में अगर मान लो फिर से चुनाव होगा तो 1-2 सीट भी रही तो बीजेपी को लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलता दिख रहा है बीजेपी को? तकरीबन आधी सीटें मिलती दिख रही है, 50-50 मतलब अभी तक के जो है, चूंकि बस्तर का मामला है तो बस्तर की कुछ सीटें जो बहुत फंसी हुई है उसको लेकर अगर मान लो छोड़ दिया जाए तो आधे आधे पे ये खड़े हैं। सतीश जी, आप पहली 20 में आपका क्या एनालिसिस है, आप कितना लग रहा है, कितना गेन हुआ है, किसको और किसको नुकसान? सारा गेम ही तो चल रहा है, बता तो दिया साथियों ने कि जो देखिए जो मैंने ये जो बोल रहे हूँ मैं उनसे सहमत हूँ कि अनिश्चितता है, नहीं 50-50 का एक अंदाजा जैसे विश्वेश जी दे रहे हैं, आपको थोड़ी क्या अंदाजा? बढ़त रहेगी कांग्रेस को, थोड़ी सी बढ़त रहेगी, हो सकता है कि वो 11-12 तक जो है कांग्रेस को ला सकती है, लेकिन तब भी लाभ में तो भाजपा को रहना ही है। देखिए यहाँ बात यह है कि जो एक अच्छी योजना, मैंने जो सरकार अपने कॉन्फिडेंस में होती है एक अच्छी योजना लाती है, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब कांग्रेस ने कहा कि केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त करेंगे, लेकिन वो सेकेंड फेज में कहीं नहीं दिखी, गायब हो गई। मींस कि आप जो सही कार्य है वो इस उसको महिला मुझे लगता है महिलाओं ने जो लुभावने कार्यों के लिए उसने कैप्चर कर लिया, लुभावने वादों ने जो है अच्छे वादों को आप हम गुणवत्ता देखिए मानव संसाधन विकसित करना है या मानव खरीदना है, तो यहाँ मानव खरीदने वाला काम सबके लिए बाध्यकारी हो गया, मानव संसाधन विकसित करने वाला। देखिए बेंगलोर जो है वो आप जो भी देखें हैदराबाद बेंगलोर वो इसलिए ही तो है ना कि वो उनसे भी एक रवि जी से भी लेते, रवि जी पहले 20 सीटों में आपका क्या एनालिसिस है, कौन बढ़त कितना बढ़त? देखिए मेरे को लगता है दोनों बराबरी होंगे लेकिन 2-3 सीटों का फ्लक्चुएट होगा, इधर आइधर बीजेपी या कांग्रेस, अच्छा तो फ्लक्चुएट रहेगा। जिस तरह से विश्वेश जी कह रहे हैं कि फंसी हुई सीटें, वो फंसी हुई सीटें किस तरफ जाएगी ये इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। बहुत समय कम है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों से जवाब चाहूंगा, क्योंकि शर्मा जी 90 सीटों में कांग्रेस भाजपा, आप किसको एज दे रहे हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे रहेगी, क्योंकि जिस तरह से 5 साल का काम देखे उनके जो भरोसे की बात है, बहुमत कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा छू सकती है, मतलब निश्चित रूप से। विश्वेश जी आप, कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा छू सकती है क्योंकि कांग्रेस जो दे रही है लोगों को ये मालूम है कि ये मेरे को मिल रहा है, भाजपा ने कहा मैं दूंगा तो इसलिए कांग्रेस को एज है। सतीश मैं सहमत हूँ इस बात से कि सभी लोग मान रहे हैं कि कैसे भी हो कांग्रेस वापस सत्ता में लौट रही है, अब ये माने सीटों का अंतर कितना होगा ये मानना है लोगों का, बढ़त आप दे रहे हैं, अंदाजा ही एनालिसिस ही है स्वाभाविक सी बात है। जी 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 रवि जी आपको क्या लगता है कि आप किसको बढ़त दे रहे हैं? देखिए दो फैक्टर है जो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, एक तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस डोमिनेंट स्टेट है और दूसरा 5 साल में कांग्रेस ने किसानों को और दूसरे वर्ग को दिया है इसलिए उनको एज मिलता है, लेकिन जिस तरह सिचुएशन है उसमें ये कहा नहीं जा सकता कितनी सीटों का बढ़त होगा। मुख्यमंत्री का फेस कांग्रेस है तो भूपेश बघेल आप मान रहे हैं और बीजेपी है आती है मान लीजिए, तो आपको क्या लगता है? बीजेपी में आदिवासी गेम भी खेला जा सकता है, एक है उनके पास ओबीसी के 2 खड़े किए हैं इन्होंने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष के रूप में, और मुझे लगता है विष्णुदेव साय जैसे को अध्यक्ष बना के केंद्रीय मंत्री एक अनुभव हो सकता है। विष्णु जी आपसे भी एक अंदाजन चाहूंगा, कांग्रेस की बनती तो और भाजपा की बनती तो सीएम फेस क्या हो सकता है? देखिए भूपेश बघेल के चेहरे पे पूरा चुनाव लड़ा गया है, मतलब उनको दरकिनार किया ही नहीं जा सकता, तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। दूसरा ये कि रमन सिंह, मेरे को ये लगता है मेरी पर्सनल ये राय है कि रमन सिंह इस प्रदेश के अंतिम सवर्ण मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो भी कोई ओबीसी या आदिवासी अलावा आदिवासी या ओबीसी
कोई फेस ये होगा। सतीश जी आपको क्या लगता है? मैं पहले आपत्ति जता दूं, कोई अवर्ण नहीं है, है ना, सनातनी व्यवस्था में कोई अवर्ण नहीं है। ये सवर्ण अवर्ण ये जाति झगड़ा पैदा करने वाले बहुत खराब बात है, मैं इससे असहमत हूँ, है ना, क्योंकि सभी लोग अच्छे हैं, ठीक है ना, और ये सब वो दृष्टिकोण है जो कि बांट दे रही है हमारे समाज को, माफ कीजिएगा इसके लिए, ठीक है ना। भूपेश बघेल सबसे मजबूत चेहरा है जी, लेकिन कांग्रेस में झगड़ा नहीं होगा इसकी गारंटी भी कोई नहीं ले सकेगा जी। और जहां तक सूचनाएं हैं तो हो सकता है कि भाजपा ऐसा भी कैंडिडेट ला सकती है जो चुनाव नहीं लड़ रहा हो। अच्छा, हाँ, तो अगर भाजपा की बनी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माने वो अपना सिक्का चला देंगे, अगर अगर वो जीत गए ना तो फिर चुनाव नहीं लड़ा हो, ऐसा कोई नाम अगर आप बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, कोई नाम नहीं बोलने की जरूरत। रवि जी समय कम है, आपसे जानना चाहूंगा सर कि क्या आपको लगता है सीएम फेस कांग्रेस भाजपा? देखिए कांग्रेस में निश्चित तौर से भूपेश बघेल है, क्योंकि भले कैंडिडेट सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया हो लेकिन पूरा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया है। और बीजेपी में ओबीसी या एसटी कैंडिडेट का कोई हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे लगता है कि पब्लिक को भी काफी कुछ क्लियर हुआ होगा कि आखिरकार एडिटर्स पोल क्या सोचता है। एडिटर्स पोल के पास अपने अपने आकलन होते हैं, उनके सोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन के, तो उन आकलन के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है और काफी कुछ पिक्चर क्लियर भी आपको होती दिख रही होगी। हालांकि फैसला 3 तारीख को ही होना है, नतीजे क्या होंगे 3 तारीख को ही पता चलेंगे, लेकिन एक आकलन, एक आपके सवालों के जवाब देने की हमने यहां पर कोशिश की है। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।